Myself Rakesh Telrandhe, and I am a mechanical engineer. I am done with water, and I have a job in Pune. And वहाँ पे मेरी लाइफ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि अब सेटल नहीं है. तो फिर मैं एक बार कुछ काम से पुणे गया, और पुणे पे मैं एक आईपीएस ऑफिसर से मिला. उनका नाम सब उनको जानते हैं, उनका नाम शिलार साहब था. तो उनसे मिला, मुझे बहुत बन नहीं था आईपीएस. तो उनसे मिलने के बाद एक मोटिवेशन मिला कि ये क्या कर रहा है, तो कुछ अलग कर. तो मैं वहाँ से एक मोटिवेशन लेके वापस आया. सोचा कि यार नहीं, उस टाइम दिवाली का पीरियड चालू था 2014 में. वहाँ पे फिर मैंने जॉब छोड़ा, बोला कि नहीं आइए फालतू चीज़ें नहीं करनी है, कुछ नया करना है. कि यहाँ से एक मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को, मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको एक मोटिवेशन मिले कि नहीं यार बंदे ने कुछ अच्छा किया. कि वहाँ से मैंने चाणक्य में 3 महीने का कोर्स किया, रिव्यू कोर्स किया, वापस आया. वापस आने के बाद में मेरा प्रॉब्लम था कि जैसा कि बोलते हैं एक पैसेंजर गाड़ी होती है और एक एक्सप्रेस गाड़ी होती है, उस टाइम में पैसेंजर के टाइप का था. तो फिर आने के बाद में यहाँ पे कुछ क्लासेस वैसे लगाया, कॉम्पिटिटिव जोन में उतरा मैं. पर वो शिलार साहब की मेरे दिमाग में बात घूम रही थी कि नहीं बनना है तो कुछ अच्छा करना है, तो कुछ अच्छा करो नहीं तो कुछ मत करो. तो फिर एक दिमाग में क्रिया घुस गया था कि आईपीएस ऑफिसर बनना है बस. उसके बाद में पढ़ाई चालू किया, एज होगी 26. उसके बाद में यूट्यूब पर कुछ वीडियोज देखा कि यार क्लास तो लगाया नहीं था, बट कुछ नया करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, ऐसा कि जो किसी ने नहीं किया. पर यूट्यूब में कुछ सब लोग नेगेटिव जोन सर जैसे बताए थे कि वो नेगेटिव कीड़े दिमाग में डालते रहते, बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है. तो फिर उस वजह से थोड़ा माइंड सेट थोड़ा लूज हो गया था. पर शिलार साहब की वो जो कीड़ा था अभी भी दिमाग में बैठा हुआ था. फिर मैंने बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स मारी. उसके बाद में फिर मेरा 29 तारीख में SSC का पेपर था. मैं इसका क्रेडिट सर को जाता हूँ कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया सर, मैंने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मैं 74+ मेरे एक्यूरेसी के साथ में, ठीक है. उसके बाद में जब मैं बाहर आया मैंने बोला कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं वो क्यों नहीं कर सकता, पॉइंट है. फिर वहाँ पे मेरे इसमें कोड बना, मैंने विजुलाइज किया सर्किट टेक्निक से. वहाँ पे मैंने ये बोला, देखा कि आईपीएस ऑफिसर, मैंने बोला माना मैं तेरे अभी काबिल नहीं, मेरा शौक देख और इंतजार कर. फिर मैं वहाँ से निकला, मैं घर पे गया, मम्मी के पास गया. मम्मी बोला अभी जो है एक जॉब पर करता हूँ, वहाँ से मैं कुछ छुट्टी लेके अपनी एग्जाम्स के लिए तैयारी करता हूँ. जो मैंने शहरा साहब ने जो किला में को डाला उसके बाद सक्सेस करके बताता हूँ बस. गुड, जरूर आप आईपीएस बन जाओगे.